बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स व्लॉग्स। जी ड्रामा से मैंने आप लोग देखेंगे कि जैद की तबीयत ठीक नहीं है और मुबशरा जो है जैद का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है और जो है ना जैद को भी मुबशरा का साथ जो है अच्छा लग रहा है, टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि जैद गुस्सा है क्योंकि जब भी वो मुबशरा आयरा को कॉल कर रहा है तो आयरा उसकी कॉल रिसीव नहीं करती है। आयरा उसकी कॉल रिसीव कैसे करेगी क्योंकि आयरा का फ़ोन आसिफ साहब ने ले लिया है और आयरा को एक रूम में बंद कर दिया है। और जैद की कॉल पर जो है ना आसिफ साहब ने ये कहा है कि आयरा जो है वो अपना अपने घर चली गई है। जैद ने यही सोचा कि जब आयरा को मेरा ख्याल नहीं है तो मैं भी आयरा की परवाह नहीं करूँगा। तो मुबशरा ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया है, आसिफ साहब ने जो है ठान ली है आयरा से फुल बदला लेने की, और रेयान जो कि उसको अपनी आयरा ने जो उसकी बेइज्जती की थी उसको वो याद है और वो भी आयरा से बदला लेने के लिए जो है उसके घर चला जाता है। और जो है घर जाकर जब वो देखता है कि आयरा अकेली है तो वो सोचता है कि आयरा को जो है ना अपना बदला लेगा आयरा से, लेकिन इतने में जो आसिफ साहब जो है घर आ जाते हैं तो आयरा वो रेयान बदला नहीं ले सकता है। तो आप बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा है। थैंक यू।